सभी भक्तों को राधे राधे। सो गाइस, आप सभी ने 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन तो जरूर किए होंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही बार बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को प्राप्त होता है। ऐसे में बिहारी जी के चरण दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भक्त वृंदावन आए और बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन किए। लेकिन उस दिन भीड़ इतनी थी कि भक्तों को मंदिर में बिहारी जी के दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाए। मंदिर प्रशासन भक्तों को मंदिर के अंदर इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे, जिस वजह से भक्तों को जल्दी जल्दी मंदिर से बाहर निकाला गया। लेकिन वहीं बिहारी जी के दूसरे स्वरूप श्री राधा स्नेह बिहारी जी ने अपने सभी भक्तों को अच्छे से दर्शन दिए, जहाँ भक्त उनकी भक्ति में झूमते हुए नजर आए। अगर आपको भी अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए तो आज की इस वीडियो में कीजिए श्री राधा स्नेह बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन। सो गाइस, वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन भक्तों की काफी ज्यादा संख्या बिहारी जी के चरण दर्शन करने आई। पूरा वृंदावन भक्तों से भरा नजर आया। मंदिर हो या कुंज गलियां, चारों तरफ भक्तों की भीड़ दिखी। पुलिस प्रशासन भी इतनी भीड़ को काबू करने में असमर्थ दिखी। बैरिकेड लगाकर भक्तों को टुकड़ियों में बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए भेजा गया। इतनी भीड़ होने की वजह से कई भक्तों को बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन श्री चरणों के दर्शन भी कई भक्तों को नहीं हुए। तभी भक्त श्री बांके बिहारी जी के दूसरे स्वरूप श्री राधा स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने उनके मंदिर पहुँचे। मान्यता है, अगर आप वृंदावन आते हो और आपको अगर बिहारी जी के दर्शन किसी कारणवश ना हो पाए तो आप वृंदावन के श्री राधा स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने जा सकते हो, क्योंकि श्री राधा स्नेह बिहारी जी स्वयं श्री बांके बिहारी जी का स्वरूप है। उनके दर्शन कर लेने से बांके बिहारी जी के दर्शन करने का फल मिल जाता है। जिस तरह अक्षय तृतीया पर बिहारी जी का मंदिर सजाया गया, उसी तरह श्री राधा स्नेह बिहारी जी का मंदिर भी सजाया गया। मोरपंख फूलों से श्री राधा स्नेह बिहारी जी का गर्भगृह भी सजाया गया और सभी भक्तों ने बिहारी जी के विशेष दर्शन किए। उस दिन बिहारी जी को पायजेब भी पहनाई जाती है और श्री राधा स्नेह बिहारी जी को पायजेब धारण कराई गई, जिनके सभी भक्तों ने दर्शन किए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बिहारी जी के एकदम पास से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्त उनके पास से जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप सब भी कीजिए श्री राधा स्नेह बिहारी जी के पावन श्री चरणों के दर्शन। सो गाइज, आपने भी नहीं किए बिहारी जी के चरणों के दर्शन तो आप सब भी कर सकते हैं श्री राधा स्नेह बिहारी जी के चरणों के दर्शन। और अगर आपको दर्शन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।